हेलो गाइस, मैं आपका अपना पवन तेवतिया, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। आप सबको पता होगा कि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और इस बार कोविड 19 नहीं है, कोविड 19 का एडवांस वर्जन आया है, उसका नाम है BF7, मतलब कि ओमिक्रॉन वायरस आया है कोरोना का इस बार, और बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला ये वायरस है। चाइना में देखा गया है कि जो फर्स्ट वीक था, दिसंबर का फर्स्ट वीक था, उसमें ओनली 3 मिलियन लोग इससे प्रभावित थे। अब देखा गया है कि इन 3 वीक्स 248 मिलियन लोग हैं चाइना के, वो प्रभावित हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है चाइना में, वो लोग बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं कि जिससे डर का माहौल ना बन जाए। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। ये पहले वाले कोरोना से बिल्कुल अलग है, जो कोरोना पहले आया था उससे ये बिल्कुल अलग है। इसमें सिम्टम्स थोड़े अलग हैं, पहले वाले सिम्टम भी हैं, कुछ सिम्टम इसमें एड ऑन भी हुए हैं। और ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है और इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब कि इजीली इसका पता नहीं लगता है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में भी 4 लोग इस वायरस से प्रभावित हैं, और ये इंडिया में भी फैलने वाला है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, कोविड 19 से 3 गुना ज्यादा इसकी स्पीड है। तो अब हम आएंगे सिम्टम्स पे कि क्या क्या सिम्टम रहेंगे। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि आपको सूखी खांसी तो नहीं है, सूखी खांसी 1 हफ्ते से ज्यादा तो नहीं है, और दूसरा रनिंग नोज, मतलब कि जुकाम आपको कंटिन्यूअसली रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है कि आपको थकान रहेगी बॉडी में, आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, हर टाइम बॉडी थकी थकी फील करेगी। और जो फोर्थ पॉइंट है, ब्रीदिंग इश्यू, जो पहले कोविड 19 में था, सेम इसमें भी ब्रीदिंग इश्यू है, लंग्स पे भी असर आएगा। जो फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक इसमें ऐड हुआ है, वो है डायरिया। आपको कंटिन्यूअसली डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, जो कि किसी भी दवाई से ठीक नहीं होंगे, जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देंगे। अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो आपको अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, और अपना जो भी मेडिकेशन है, मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में वर्कआउट भी बताऊंगा कि आप कैसे कोरोना वायरस से बच सकते हो, मतलब कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और कुछ डाइट भी शेयर करूंगा अगली वीडियो में, और कुछ सप्लीमेंटेशन भी बताऊंगा जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करोगे। और जैसा कि रवि गौड़से जी ने बताया है कि इस बार डरने वाली कोई बात नहीं है, इम्यूनिटी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है, चाइना के अकॉर्डिंग 95% हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो हमको, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जो स्मोकिंग करते हैं या एल्कोहलिक है, मतलब वर्कआउट नहीं करते, जिनकी भी इम्यूनिटी वीक है, तो उनको बस ध्यान देने की जरूरत है। इस बार ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, अपना वर्कआउट करो, अच्छा डाइट लो, अच्छे से अपना नींद पूरी करो, और जितना हो सके मास्क यूज करना स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 4 केसेज इंडिया में आ चुके हैं और ये बहुत स्पीड से फैलता है। मैंने जैसा बताया था, अभी चाइना में फर्स्ट वीक में 3 मिलियन थे, और अब 20 दिन के अंदर 248 मिलियन चाइना में केसेज हो चुके हैं, जिसमें भी बहुत सारे डेथ भी हो चुकी हैं चाइना में। तो आज के लिए इतना ही, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।